I follow her through blood on the road and hundreds of pairs of shoes the mourners left behind as they ran from the funeral, victims of the firing. Fatima, it's you. Fatima, it's you. I cry out as she steps closer, the sleeves of her firan torn. Each night put valley in your dreams, she says, and then she touches me, her hands crusted with snow, and whispers, I have been cold a long, long time. There is everything to forgive. You can't forgive me. You are everything I lost. You won't forgive me. I have had a terrible fall. There is curfew everywhere. There is panic on the roads. In my room, sun shines on your father's painting. I stare at it unblinded, even at today's sunlight. It is the last summer of peace. It is the last summer of the last. Yes, I'm still holding the world together, naming the roses. I shift the line of fate, life, heart, and mind, and press them, burning into my palm. I hide my pain, even from myself. I reveal my pain, only to myself. Tied a knot with green thread at Shah Hamdan, to be untied only when the atrocities are churned by your jeweled return. But no news escapes the curfew, nothing of your shadow, and I am back, 500 miles, waiting. Waiting in the light of this bulb, without any reassurance of you. Sheikh Nadeem Nasir Zaheer aur ha mera bhai Farhad bemanti hamesha bemani karti hai tu statue अरे डॉक्टर सुनिए मेरी बहू का क्या हाल है वो आपकी बहू है जी उनके पेट में गैस भरा है चाचा आपको कितनी बारी समझाया है कि गर्भवती महिला को समय समय पर खाना देना चाहिए लेकिन आप लोग हमारी बात कहाँ मानते कैसी बातें करते हैं बच्चा होने वाला है मेरी बहू के
और खाने की तो आप बात ही मत कीजिए। मोहतरमा अगर खाने पर आए तो दो चार मर्दों का खाना तो अकेले ही खा जाती है। अरे डॉक्टर देखिए मेरी बहू मदद कर। बच्चा अटक गया है। क्या कहा आप? परेशान? बच्चा अटक गया है? अरे ये उसका पहला बच्चा थोड़ी है जी, इससे पहले भी दो बच्चे जन चुकी है। वो देखिए फातिमा फरहाद देखिए कितने तंदुरुस्त बच्चे। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बच्चा अभी यहाँ तक निकल चुका है, यहाँ तक निकलने वाला है, और जैसे ही यहाँ तक निकल जाएगा हम आपको बता देंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, आप घबराइए मत। नर्स आइए आइए, बच्चे पैदा करते हैं। अरे आप आइए तो सही। डॉक्टर आप मेरी बहू का ख्याल रखिएगा। आप परेशान मत होइए। तो उन्होंने चाचू बोल दिया, अब क्या करें चाचू? दादाजान भाई कब आएगा? आने वाला फरिश्ता जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है और वहीं खड़ा खड़ा हम सबका इम्तिहान ले रहा है। जन्नत का दरवाजा? हाँ, जहाँ से खुदा अपने नेक बंदों को भेजता है, वहीं खड़ा खड़ा पहरेदारी कर रहा है। वहां से बाहर नहीं आना चाहता हमारा रिजवान रखेंगे नाम उसका। जिस दिन रिजवान पैदा हुआ, घर के बाहर इतनी भीड़ उमड़ी मानो दरवाजा ही तोड़ा था। उस दिन पहली दफा फरहाद और मैंने दरवाजे के बाहर पहरेदारी की। फातिमा अरे आ रही हूँ, क्योंकि वो हमारे सुंदर सुंदर गुलाबों की क्यारियों को रोनते हुए उसको देखने आए थे जो पैदा होने से पहले ही अटक गया था। अरे जरा बच्चे की शक्ल तो दिखा दे। वो सो रहा है वो 7 दिनों से। इतने लंबे सफर से आया है, मियां थक गया होगा बेचारा। ये नहीं थका, मैं थक गई हूँ इसे जगाए रखने में। उमीना लोरी गा और इसे सोने दे। नहीं, इससे मैं इसकी आंखें नहीं देख पाऊंगी। इसकी आंखें बिल्कुल इसके अब्बा जैसी है। अरे तेरे अब्बा की कोई खबर आई? पूछ के बताती हूँ। दादाजान ये पूछ रहे हैं कि अब्बा वापस कब आएंगे। सर्दियों में जल्दी आएंगे वो। मेरे दादाजान कह रहे हैं अब्बा सर्दियों में आएंगे। मैंने कहा दरवाजा बंद रखो और शोर बोल रहा हूँ। अंदर रिजवान सोने की कोशिश कर रहा है। चलो अंदर आओ दोनों। एक बार की बात है, किसी एक वादी में एक घर था, बिल्कुल हमारे घर की तरह। उस घर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था रिजवान, एकदम मेरी तरह। जब वो छोटा ही था तभी वो बादशाह बना और उसने 3 चीजें सीखी। जमीन पर घुड़सवारी करना, हवा में कालीन उड़ाना, और पानी में कश्ती चलाना। हर रात वो बार 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 एक ही कहानी सुनता था। जो कहानियां हमें मालूम होनी चाहिए वो हम शायद पहले से ही जानते हैं। अम्मी क्या होता है जब हम पैदा होते हैं, और हम आते कहाँ से हैं? जमीन से, पानी से, या हवा से? हर कोई अलग अलग जगहों से आता है, पर तुम उन सारी जगहों से हो। इसलिए मुझे घुड़सवारी करना, कश्ती चलाना और कालीन उड़ाना आता है। ये पहाड़ देखो अम्मी, एक बादशाह होने की हैसियत से मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा इन पहाड़ों की हिफाजत करूंगा। अच्छा तो मेरे नौजवान बादशाह, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या चीज है जो हमेशा रहती है? ये पहाड़ अम्मीजान, ये पहाड़ हमेशा यहीं रहेंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता ये कितना ही टूटे या गिरे। सूरज हर रोज इन्हीं की तराइयों से उगेगा
और चांद भी इसी की गोद में डूबेगा। ये पहाड़ तो हमेशा रहेंगे, पर क्या तुम रख पाओगे? From the water. She was part woman, part water. And her brothers. They were part men, part clay. Breakable, movable, shapeable. Part things, part thoughts. Once upon a time, there was a boatman with letters. Postman on a boat, a messenger of death. He was loved by the living. Bhaijaan, Aba. कोरे खत लेने। इस बार मैंने खतों में लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है? रुको, रुको, अभी मैं पढ़ता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? यहाँ सब खैरियत है, शुक्रिया रिजवान। ये किसके लिए लिखा है? सबके लिए। सबके लिए कैसे? मेरे पास बहुत सारे खत हैं और डाकिया मेरा दोस्त है, वो मेरे खत सबको बचा देगा। इन खतों का आज तक कोई जवाब आया है? रिजवान, ओ रिजवान, रिजवान, ओ रिजवान, रिजवान, ओ रिजवान, क्या किसी ने कोई जवाब भेजा? हाँ, सबने भेजा है। हाँ, और क्या कहा उन्होंने?
वही जो तुमने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, यहाँ सब खैरियत है, शुक्रिया रिजवान। और अब्बा ने कोई खत भेजा? तुम्हारे अब्बा ने जन्नत से जन्नत में खत भेजा है और कहा है अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, यहाँ सब खैरियत है, शुक्रिया रिजवान। तुम्हारे अब्बा ने कहा है शुक्रिया रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी अम्मी का ख्याल रखना। मैं यहाँ इस जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ और तुम उस दूसरे जन्नत के दरवाजे पर। मैं यहाँ से सब तुम्हारी कहानी देखूँ, लेकिन तुम इस बार तुम उसे बढ़ा सकते हो, जैसे चाहो जितना चाहो। हमें सिर्फ रखवाली के लिए बना रिजवान, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहो। क्या मैं अपने खतों में बोल सकता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ? हाँ। क्या मैं अपने सारे खत सब तक पहुँचा सकता हूँ? तुम अपने सारे खत सब तक पहुँचा सकते हो। क्या मैं वो सब कर सकता हूँ जो आप करते हैं? अगर यहाँ कोई जन्नत है रिजवान, तो वो यही है, वो यही है। नजरिन आदाब, सियासत न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। पुराने शहर के जिन 17 पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था, वो इलाके पुरमन रहे।